हवैये में जो कि लोकेटेड है कल्याण राम बाग मैक्सी ग्राउंड के पास। और यहाँ पे आपको महाराष्ट्रियन फूड मिलेंगे, नॉन वेज में बहुत सारे आइटम्स, प्लेटर्स और चाइनीज आइटम मिलेंगे। और मेरा थाली खाने का मन है तो चल के मैं अंदर देखती हूँ कौन सी थाली स्पेशल है यहाँ पे, क्या स्पेशल है, ऑर्डर करते हैं यहाँ के ऑर्डर से पूरी बातचीत करते हैं। आइए। ये रेस्टोरेंट तो अभी 1 मई से चालू हुआ है, लेकिन मेरा 1 साल से असल खबर ये पार्सल किचन करके चालू है कल्याण में ही, लोकेटेड इन आधारवाड़ी। एंड मेरा मैरिज हॉल भी है, लास्ट 5 ईयर्स से वो मैं चला रही हूँ, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट कैटरिंग सर्विस मेरा है। तो वो भी कल्याण में ही मैरिज हॉल भी है, वो भी चलाते हैं। और मैम मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये रेस्टोरेंट, थैंक यू। और आपकी फैसिलिटी क्या है यहाँ पे, जो कि जैसे मेरे व्यूवर्स आएंगे तो यहाँ पे एक्चुअली ये लास्ट 22 ईयर्स से ये होटल रनिंग है, यहाँ का फेमस चाइनीज़ है, लेकिन कल्याण में थाली सिस्टम कहाँ पे भी नहीं था। तो मेरे को यहाँ पे यहाँ के लोगों को बेसिकली आई एम सिकेपी, तो मेरा जो कास्ट का सिकेपी फूड है बेसिकली मेन फिश में, तो वो मेरे को कल्याण के लोगों को टेस्ट देना है और वो इधर से आगे लाना है, इसके लिए मेरा मेन फोकस है यहाँ पे थाली सिस्टम। हाँ, थाली सिस्टम जैसे कि सुरमई थाली है, प्रॉन्स थाली है, पॉपलेट थाली है। ओके, बहुत अच्छा मैम, आपने जो सोचा ना मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग की थाली ढूंढते हैं और हम लोग मैंने करीबी पॉम्पलेट का ही मिलेगा, ये मेरे यहाँ का एक खासियत है।
ये थाली में 3 चपाती है, एक सुरमई फ्राई फिश है, सुरमई का ही करी है, सूखा जौला है, सलाद है, गुलाब जामुन है और सोल कड़ी है एज ए एपिटाइजर। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सबसे अच्छा जो चीज़ है ना वो मैम ने बहुत प्यार से परोसा है, क्योंकि जो स्माइल और इनका जो प्यारा सा नेचर है, फ्रेंडली नेचर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो खाने को देख के मुझे भूख लग रही है और देखने में बहुत ही टाइपिंग लग रहा है ये। अब मैं आपको इसको ट्राई करके बता रही हूँ, टेस्ट कैसा है। बेस्ट अच्छा ही होगा क्योंकि इतने प्यारे हैं यहाँ पर काम वर्कर, इतने सब अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर के, बहुत अच्छा लगा। ट्राई करके आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड। ये जो आप मछली का बड़ा सा पीस देख रहे हैं, ये सुरमई मच्छी है। सुरमई एक मच्छी की वैरायटी होती है और इसको अच्छे से मैरिनेट करके और डीप फ्राई किया गया है और बहुत क्रिस्पी है खाने में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये अब जो देख रहे हैं आप, ये मच्छी कड़ी है, इसमें भी सुरमई मच्छी फ्राई करके डाली गई है और ये घर के बने हुए मसालों से बनाई गई कड़ी है। स्पाइसी है, बहुत अच्छी लगी मुझे खाने में। और इसके बाद जो मुझे छोटी कटोरी में है, ये सूखा जेवला है। सूखा जेवला, ये छोटी मच्छी को सुखा के इसको स्टोर किया जाता है, महाराष्ट्रियंस का बहुत ही पसंदीदा फूड है ये। और इसको स्टोर करके बहुत टाइम के लिए रखा जाता है और कांदा वगैरह डाल के इसको बनाया जाता है। ये भी बहुत अच्छा स्पाइसी है, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और ये पिंक कटोरी जो है, जो आप देख रहे हैं इसके बगल में, ये सोल कड़ी है, ठंडी ठंडी सी बिल्कुल। इसमें इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, ठंडा है बिल्कुल, ये मुझे कुछ डेजर्ट टाइप लग रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा सुरमई थाली इनका। असल खवैया आप आए और सुरमई थाली एंजॉय करें। मैक्सी ग्राउंड, रामबाग मैक्सी ग्राउंड, अपोजिट ओल्लू स्कूल, मैं रेकमेंड करूँगी आप यहाँ पे एक बार, अगर आप नॉनवेज लवर हो, स्पेशली सी फूड लवर हो, तो यहाँ पे आके एक बार ज़रूर इनका ट्राई करो। मैंने जो खाली खाए मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप आके यहाँ पे एक बार ज़रूर ट्राई करो।